हिमपात के कारण लोगों को जहां एक ओर ठंड से निजात नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली, पानी और वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से ना चलने से परेशानी हो रही है। पारा 0 से नीचे चला गया है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों का कहना है कि उन्हें बर्फ में बहुत मजा आ रहा है, ठंड के बावजूद बहुत मस्ती कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गए हैं। पर्यटकों का कहना है कि ताजा बर्फबारी देखकर तो उनके पैसे ही वसूल हो गए हैं और सबको डलहौजी जरूर आना चाहिए। इधर मौसम ठंडी लग रही है और स्नोफॉल भी है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, इधर आके एंजॉय करना है। Actually, we are from Hyderabad. We are expected a little bit thunder here, but we are having a fun of snow over here in Dalhousie. And yesterday, we enjoyed a lot of fun in Kajiar as well. But unfortunately, that road has been stopped today. But we are having fun in Dalhousie. हम यहाँ पर घूमने आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमने snowfall में enjoy करके, और बहुत ही enjoy हो रहा है, मजा आ रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे snowfall देखकर कितनी अच्छी लग रही, प्यारी लग रही है। डलहौजी बहुत ही अच्छी जगह है और मैं तो कहती हूँ सबको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पे, और ये स्नोफॉल तो कब से चालू है, जैसे लग रहा है कि पूरा दिन ही रहता है। मेरा तो हम सबका और सबको आना चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। हाय, मेरा नाम मन्नत है, मैं डलहौजी से ही हूँ। यहाँ पे बर्फ पड़ गई है, ठंड लग रही है, पर बहुत मजा आ रहा है। डलहौजी पहुंचे पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। डलहौजी सहित जिला के पर्यटक स्थल बर्फ की सफेद चादर से चमक उठे हैं। चंबा जिला के सभी ऊपरी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फबारी से डलहौजी के पहाड़ों का सौंदर्य भी निखर उठा है। डलहौजी घूमने आए पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कालाटॉप और लक्कड़ मंडी में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। जगह जगह पर्यटक बर्फ से अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी से व्यवसायियों को भी कारोबार में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट।